बुद्ध धर्म इतिहास और विकास भाग दो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके जवाब। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, थेरावाद क्या है? उत्तर, थेरावाद नाम का आशय अंग्रेजों बड़ा के शिक्षा से है और यह मूलतः पाली त्रिपिटक पर आधारित है। बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे पुराना और सबसे पूर्ण अभिलेख थेरावाद ज्यादा परिवर्तन विरोधी है और बुद्ध धर्म का मठ केंद्रित स्वरूप है जो धर्म के मूल पर जोर देती है और अधिक साधारण तथा कठोर मूल्यों की ओर ध्यान देती है। आज थेरावाद का अभ्यास प्रमुख रूप से श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में होता है। प्रश्न दूसरा, महायान बौद्ध धर्म क्या है? उत्तर, ईसा पूर्व पहले शताब्दी में बुद्ध के शिक्षाओं की गुणवत्ता का गंभीरता से अन्वेषण किया गया, मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण किया गया। समाज का विकास भी हो रहा था और इससे नवीन तथा प्रासंगिक शिक्षाओं की व्याख्या की जरूरत महसूस हुई। नए विकास की व्याख्या में बहुत सारे विद्यालय फले फूले जो एक साथ महायान कहलाए, अर्थ एक महान मार्ग की वे सभी के लिए प्रासंगिक होने का दावा करते हैं, न कि केवल भिक्षु और भिक्षुओं के लिए जिन्होंने संसार को त्यागा। महायान भारत में बुद्ध धर्म का प्रभावशाली रूप बना और आज इसका अभ्यास चीन, कोरिया, ताइवान, वियतनाम और जापान में होता है। कुछ थेरावादी कहते हैं कि महायान बुद्ध की शिक्षाओं का बिगड़ा हुआ रूप है। यद्यपि महायानी जोर देते हैं कि बुद्ध ने परिवर्तन को सबसे मूल सत्य के रूप में स्वीकार किया और बुद्ध धर्म की व्याख्या कोई अपवाद या धम्म की कुरूपता नहीं, जैसे जैतून का तेल जैतून के बीज का बिगड़ा रूप नहीं है। प्रश्न, हमें प्रायः हीनयान शब्द को देखा है, इस शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, जब महायान विकसित हो रहा था यह स्वयं को बुद्ध के धम्म के पहले विद्यालयों में पृथक रखना चाहता था तो इसमें स्वयं को महायान कहा। इस महान मार्ग और पहले के विद्यालयों के इसने हीनयान की संज्ञा दी, अर्थ एक छोटा सा मार्ग। अतः हीनयान एक किचित सांप्रदायिक पद है जो महायानियों ने थेरवादियों को दिए। प्रश्न, वज्रयान क्या है? उत्तर, इस प्रकार के बुद्ध धर्म का उद्भव भारत में छठी और सातवीं शताब्दी ईस्वी में हुआ जब हिंदुज्म का भारत में उत्थान हो रहा था। इससे जवाब में कुछ बौद्ध हिंदुज्म के विचारों में प्रभावित हुए, विशेषकर देवताओं की पूजा और विस्तार पूर्वक किया विधि से 11वीं शताब्दी में वज्रयान तिब्बत में आधी तरह स्थापित हुआ और आगे भी विकसित होता रहा। वज्रयान शब्द का अर्थ हीरक मार्ग और अनुमानतः वज्र यानी अटूट तर्क के साथ इसका समर्थन और बचाव करते हैं। वज्रयान पारंपरिक बौद्ध धर्म ग्रंथों में ज्यादा तंत्र नामक इसका समर्थन और बचाव करते हैं। वज्रयान पारंपरिक बौद्ध धर्म ग्रंथों से ज्यादा तंत्र नामक एक साहित्यिक के ऊपर भरोसा करती है और इसीलिए कभी कभी ये तंत्रयान भी कहलाता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि बुद्ध के धम्मों में बहुत सारे पाखंड और बहुत सारे आडंबर मिल चुके थे, तो यह समझने वाली बात है, इसको थोड़ा नोटिस कीजिएगा आप। बुद्ध के धम्म में बहुत परिवर्तन हो गया था। इसके बारे में साइंस जर्नी चैनल, यूट्यूब चैनल और बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट रूप से कहते हैं, तो इसको थोड़ा समझिए। इसीलिए कभी कभी ये तंत्रयान भी कहलाता है। वज्रयान अभी मंगोलिया, तिब्बत, लद्दाख, नेपाल, भूटान और भारत में रहने वाले तिब्बतियों में प्रचलित है। प्रश्न,
यह सभी बहुत भ्रमित करने वाला है। अगर मैं बौद्ध धर्म का अभ्यास करना चाहूं, तो मैं कैसे जान सकता हूं कि कौन से प्रकार का चुनाव करूं? उत्तर, शायद हमें इसकी नदी से तुलना करनी होगी। अगर आप नदी के उद्गम के पास जाएंगे और फिर इसके मुहाने पर, तब ये संभवतः बहुत आसमान जान पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उद्गम से नदी का अनुसरण करें, अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए पर्वत और घाटी द्वारा जलप्रपात बन अनेकों धाराओं में विभक्त हो, आप अंततः इसके मुहाने पर आ जाएंगे और समझेंगे कि यह उद्गम से इतना आसमान क्यों प्रतीत होता है। अगर बुद्ध धर्म का अध्ययन मूल शिक्षा से शुरू करना चाहें, जैसे चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ऐतिहासिक बुद्ध का जीवन और इत्यादि, तब अध्ययन करें कि इन शिक्षाओं और विचारों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा अपने आप को सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली बुद्ध धर्म के दृष्टिकोण के ऊपर केंद्रित करें। तब आपके लिए कहना असंभव होगा कि नदी का उद्गम मुहाने से ही हीन है या मुहाना उद्गम का बिगड़ा हुआ रूप है।